हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, सबसे पहला ही कार्ड है मून का। देखिए, आपको पता ही है कल फुल मून है और सुपर मून की एनर्जी है और ये जो फुल मून रहेगा ये आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा इमोशनली, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर मून का आया हुआ है। सेकंड वी हैव एट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, ये जो फुल मून है ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपके पर्सन को। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब डिस्टर्ब करेगा इन द सेंस कि ये नहीं कि इनको परेशान करेगा, ये करेगा कि इनके इमोशंस को ये बताने की कोशिश करेगा कि आप अभी भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। अगर स्पेशली आपके पर्सन को ये जताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर बिज़ी कर लिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है किसी अदर सिचुएशन में, तो इनको ये एहसास ज़रूर दिलाया जाएगा इस फुल मून में कि आपको एक इंटेंशन सेट करके उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको इस लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट एनर्जी है द स्टार। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए, आपके बारे में इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। वन मोर कार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन में जहाँ पर ये दुखी हैं, जहाँ पर ये परेशान हैं, वहाँ से बाहर आने की भी एनर्जी। और आज आश्चर्य की बात ये है कि चारों कार्ड में मून है, चारों के चारों कार्ड में मून बना हुआ है, मतलब सब इमोशंस से डील करने वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। तो ये एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर आपके पर्सन का आपके प्रति हो सकता है इस फुल मून के दौरान या इस फुल मून के आसपास। सो लेट्स क्लेरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लेरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स, क्यों आई हैं ऐसी एनर्जीज। ओके, ओवरऑल एनर्जी हमारे पास टू ऑफ वांड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पर्सन जो है ना, ये पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, इनको बहुत बड़ा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट एक्चुअलिटी ये है कि इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ये अंदर से पूरे परेशान हैं। टूटे वाला जो एनर्जी होता है ना, कि अंदर से इंसान रो रहा है लेकिन बाहर मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर आपके पर्सन की रहेगी। नेक्स्ट, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स ने। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में बंधन में बंधे हुए हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे ब्लैक क्रोज नज़र आ रहे होंगे जो कि नेगेटिविटी का प्रतीक है, एक तरह से ये बैट भी हो सकते हैं, यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ को डिनोट कर रही है बर्ड्स। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ में आपके पर्सन ट्रैप्ड है ना, वहाँ से इमोशनली ये विड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से उन लोगों से, उन एनर्जीज से दूर भागने की एनर्जी है ये। द स्टार को क्लैरिफाई किया है मजिशियन ने। ये बहुत अजीब सी बात है, देखिए
यहाँ से भी एक पर्सन है जो आंखें बंद करके प्रे कर रहा है, और यहाँ से भी मजिशियन है। ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें इन्हें मिलेंगी, क्योंकि एक तो फुल मून है, दूसरा एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, तीसरा अगर ये इस समय पे नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ भी ऐसा गुस्से वाली एनर्जी होगी, तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आपके पर्सन आपके प्रति, आप उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें और आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करें। वैसे होपफुल रहिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपके फेवर में है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो नाव में, उसके यहाँ पर खूब सारे सोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब वो हर्ट है, अंदर से परेशान है, और वो इमोशनली कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक पर्सन है जो जगलिंग कर रही है, दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन छोड़कर आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। और कहाँ से निकल रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, और क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने, मतलब आपके पर्सन जो डिसीजन लेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो फैसला लेंगे, वो अब ले लेंगे, क्योंकि अभी ये इस वक्त इस सिचुएशन में है। एक पर्सन है जो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, तो यही एनर्जी आपके पर्सन की है, ये उल्टे लटके हुए, इन्हें नहीं पता कि ये गिरेंगे तो भी चोट लगेगी, उठेंगे तो भी इनको प्रॉब्लम होगी, उतरेंगे कैसे, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, इन चारों तरफ से परेशान है। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें डिवाइन की ब्लेसिंग से सॉर्ट आउट होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है वेटिंग की एनर्जी, और साथ में है एट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब मैसेजेस भी आएंगे, आपके पर्सन स्वयं आपके पास वापस भी आएंगे, बातचीत भी होगी, और काफ़ी लोगों की, जब से मैंने कहा है कि इस फुल मून के आसपास या फुल मून के बाद काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, यूनियन की बरसात है मेरे दोनों चैनल पे, एस्ट्रो विद एम सिंह, टैरो विद एम सिंह, दोनों पे मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में मेरा मैसेज आ गया, मेरे हस्बैंड आ गए, मेरे बॉयफ्रेंड आ गए, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, इतने महीने बाद आ गए। सो बहुत अच्छा लगता है गाइज, आप लोग ऐसे ही मस्त रहें अपनी लाइफ में, ये देख कर ही बहुत सुकून मिलता है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। वाह, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शादी की एनर्जी है, पहला ही कार्ड मैरिज इंडिकेशन दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है, ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, फोर नंबर इज इम्पॉर्टेंट। एक व्यूअर ने मुझसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा था, उन्होंने मुझसे पूछा था मैम आपका फेवरेट नंबर क्या है। फेवरेट नंबर गाइज मेरा 3 है, मैं कभी कभी आप देखते होंगे मैं अक्सर ही 3 शफल करती हूँ, मेरा बर्थ डेट भी 30 है तो 3 नंबर आता है, मेरा लकी नंबर भी 3 है, 3 नंबर गुरु का है, तो इसलिए 3 नंबर मेरे लिए प्रेशियस है, ठीक है। सो, आगे देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं इमीडिएट एक्शन। मैसेज काफ़ी लोगों को आने वाला है क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अभी आया था टैरो से, और नेक्स्ट एक्शन से भी निकल कर आ गया, एंड वी हैव 8-8 वाइब्रेशन, तो कुछ कार्मिक रिलीज भी यहाँ पर नज़र आ रहा है इमीडिएट एक्शन में। इसके पहले भी एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन उन लोगों से दूरियाँ बनाएंगे जो लोग इनको हर्ट कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, सफरिंग दे रहे हैं, और इनका कंट्रोल जो है वो अब डिवाइन के हाथ में है। यहाँ पर ये भी वाइब्रेशंस हैं, आने वाले समय में आपके पर्सन जो सोचेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, वो बियॉन्ड इल्यूजन होगा। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के पर्सन कोई निर्णायक फैसला ले सकते हैं आपको सोच समझ कर, इस रिश्ते को सोच समझ कर। तो ये जो एनर्जीज हैं इसके अकॉर्डिंग 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 4 आवर्स, 13 आवर्स, 22 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है, ठीक है। और इस 22 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे, काफ़ी लोगों के पर्सन कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं रिलेटेड विद देयर करियर। इसके अलावा इनके लाइफ में कार्मिक रिलीज की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है फॉर द नेक्स्ट 22 आवर्स। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए।
पहला मैसेज है आपके लिए सोलमेट्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप अपने पिछले जन्म के कुछ वुंड्स या फिर इस लाइफ के कुछ वुंड्स क्लियर करने वाले हैं आने वाले समय में, या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं दैट यू हैव टू हील दैट वुंड्स। आपके कुछ ऐसे वुंड्स हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं, कोई ऐसे फियर हो सकते हैं जो आप रिलीज़ करेंगे आने वाले समय में। रिलीज़ का नाम लिया और क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स का कार्ड आ गया, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने चक्रास को हील करेंगे, अपने चक्रास को क्लिंस करेंगे। स्पेशली इस फुल मून में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसे अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है, आपको नहीं पता आप कहाँ से आए हैं, किस रेल्म से आए हैं, आपका क्या पास्ट था या इस लाइफ में आप क्या करने आए हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं या जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हैं, तो आपके धीरे धीरे जब चक्रास हील होंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर होने लगेंगी। नेक्स्ट वी हैव ट्रस्ट। आस्क, लिसन, अलाउ। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपने प्यार पर ट्रस्ट रखिए। आने वाले समय में जो चीज़ें होंगे उसको आप इंट्यूशन से इमेजिन कीजिए और डिवाइन से बोलिए कि पूरी तरह से वो आपके लिए जो बेहतर है, जो बेस्ट है, वो आपको सर्व करे, वो आपको दे। ठीक है, लास्ट कार्ड आपके लिए एक कार्ड और लूँगी मैं आज, और इंटर योर वर्टेक्स, अलाइनिंग विद इन्फिनिट अबंडेंस। आप अलाइनमेंट में आइए। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व हैं। मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पापा, मेरी मम्मी, थोड़ा सा आपको अनकंडीशनली भी सर्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप दूसरों के लिए भी कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो एनर्जी होती है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाती है वो है सर्व टू योर एनवायरनमेंट। आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास की स्थिति है, उसको इम्प्रूव करना पहले शुरू किया कीजिए। जब आपके आसपास की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी, आपके आसपास कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई दुखी रहेगा तो आप उसे गाइड करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो अपने आप सही डायरेक्शन पकड़ लेती है। सो ये है गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।